प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी पर, पूर्व सेना के प्रमुख पर, पूर्व उपराष्ट्रपति पर इसी प्रकार के उन्होंने पाकिस्तान से मिलीभगत के झूठे आरोप लगाए और अब संसद में जवाब देने की बजाय कन्नी काटते घूम रहे हैं। तो चाहे वो 2014 से पहले और चाहे 2014 के बाद, भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र साजिशकारी षड्यंत्रकारी है और वो दो जी के सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की अदालत के फैसले से अब ये साबित हो गया है। देश उम्मीद करता है कि कम से कम आज प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चाई का सामना करेंगे, क्योंकि उनके षड्यंत्रकारी काले बादलों से छटकर जो सच्चाई निकली है वो देश के सामने जग जाहिर है और वो देश से माफी मांगेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जनता में ये पूरा मामला है और कांग्रेस भी, डीएमके भी और सब राजनीतिक दल अब देश के 125 करोड़ लोगों से ये जरूर कहेंगे और देश के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से और पूरी भाजपा से, जिन्होंने तीन साल तक इस देश की संसद को नहीं चलने दिया, इस देश में बदनामी का एक माहौल पैदा किया, पूरे देश की व्यवस्था को बदनाम किया, देश की संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, विनोद राय के साथ मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी खेल, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान हुआ, उसके लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब तो देना पड़ेगा। Arun Jaitley said just a few minutes ago, and he's also given a soundbite to us, that Congress party should not wear this verdict as a badge of honor because the policy, the allocation policy, was a corrupt policy. But just adding to that, he says that the investigative agencies are going to have a closer look at it because the Supreme Court had only appointed the prosecutor in the case. एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जो झूठों के सरदार हैं, आज उनकी यही हालत है, क्योंकि झूठों की सरदारी और सरकार की जिम्मेवारी में यही अंतर है, जो सच का आईना आज उनको अदालत ने दिखाया है।